Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to turn on 5G network. इस डिवाइस में 5G नेटवर्क को कैसे लाएं? दोस्तों आपका फ़ोन 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है लेकिन कभी कभी 5G नेटवर्क 4G में ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है या फिर 5G नेटवर्क होते हुए भी आपको 4G जैसा स्पीड दे रहा है। 5G वेलकम ऑफर में सबको अनलिमिटेड डेटा दे रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों 5G के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। नंबर 1, चेक नेटवर्क सेटिंग्स। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने डिवाइस पर नेटवर्क सेटिंग्स चेक करना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद कनेक्शन में जाइए, इसके बाद मोबाइल नेटवर्क, फास्ट डेटा रोमिंग, अगर ये ऑप्शन ऑफ किया हुआ है तो इसे टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके डिवाइस में VoNR ऑप्शन आ रहा है तो उसे भी टर्न ऑन कर दीजिए। इसका मतलब है कि आप इंटरनेट का उपयोग करते हुए भी 5G नेटवर्क पर वॉइस कॉल कर सकते हैं। इसके बाद सिम ऑन का नेटवर्क मोड 5G सेट होना चाहिए। अगर कोई दूसरा ऑप्शन सेट करके रखे हैं तो वहां से चेंज करके ऊपर में जो ऑप्शन आ रहा है वो सेट कीजिए। दोस्तों ये 5G का मेन सेटिंग्स है। इसके बाद सिम 2 में भी 5G मोड सेट कीजिए। नेक्स्ट एक्सेस पॉइंट नेम, इसके साथ कभी भी छेड़छाड़ ना करें। अगर पहले कभी किया है तो यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करके APN सेटिंग्स रीसेट कर सकते हैं। सेटिंग रीसेट करने से इसका APN डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा। इस तरीके से सिम 2 में भी डिफॉल्ट ATM सेटिंग सेट करें। इसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर सेटिंग्स ऑटोमेटिक ही सेट रखें। अगर आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका फ़ोन आपके लिए बेस्ट नेटवर्क ऑटोमेटिक चूज करके देगा। दोस्तों आपका डिवाइस पर 5G के लिए सभी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुका है। आप ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को ओपन करके एरोप्लेन मोड को एक बार ऑन करें, फिर कुछ देर बाद ऑफ कर दीजिए। फिर देखना आपके डिवाइस से 5G नेटवर्क कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। नंबर 2, एक्टिव 5G प्लान। 5G नेटवर्क आ रहा है लेकिन आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं मिल रहा है। दोस्तों फिलहाल 5G प्लान सबके लिए अनलिमिटेड है लेकिन इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक 4G प्लान रिचार्ज करना पड़ता है। दोस्तों मान लो कि आपने अभी 4G डिवाइस से 5G डिवाइस में अपग्रेड किया है और आपके पास वैध रिचार्ज भी है। अब आपको आपके ऑपरेटर से अनलिमिटेड फ्री 5G डेटा क्लेम करना होगा। अगर आप एयरटेल, जियो, VI का सिम यूज़ करते हैं तो उसमें कैसे अनलिमिटेड 5G डेटा क्लेम करना है उसका वीडियो YouTube पर मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। पहले ऑपरेटर का नाम लिखिए, इसके बाद अनलिमिटेड 5G डेटा क्लेम, फिर सर्च करना। दोस्तों अनलिमिटेड 5G डेटा एक्टिव होने के बाद आप जितना चाहे हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, 5G स्पीड इशू। 5G नेटवर्क आ रहा है लेकिन 4G जैसा स्पीड दे रहा है। दोस्तों जहां मैं रहते हूं वहां ज़्यादा समय बिल्कुल यही प्रॉब्लम होता है। 5G में जितना स्पीड मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कि जिस टावर के अंदर आप रहते हैं वो एक साथ 10 5G यूज़र को 500 Mbps का 5G स्पीड दे सकते हैं। अगर उस टावर के अंदर 100 लोग आ जाए तो वो हर किसी को 500 Mbps नहीं दे पाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। तब 5G सिग्नल होते हुए भी आपको 4G स्पीड मिलेगा। 5G स्पीड ना मिलने के पीछे यही मेन वजह है। आजकल हर कोई 5G फ़ोन खरीद रहा है जिसकी वजह से स्पीड सभी में डिवाइडेड हो जाते हैं और आपको लगते हैं कि आपका फ़ोन ख़राब हो चुका है। दोस्तों हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में 5G नेटवर्क और भी कैपेबल हो जाए ताकि सब यूज़र 5G को सही से इस्तेमाल कर पाए। आप रात 12 बजे या सुबह ट्राई कर सकते हैं, आपको 5G का मैक्सिमम स्पीड मिलेगा। नंबर 4, टेक्निकल इशू। दोस्तों कुछ दिनों से 5G सिग्नल नहीं आ रहा है, केवल 4G दिखाई दे रहा है। अगर आप एक पुराना 5G यूज़र हैं और इसके पहले आप अनलिमिटेड 5G डेटा का इस्तेमाल कर रहे थे तो ये हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ होगा। इसे ठीक करने के लिए सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करें रीसेट। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते ही सीधा रीसेट फोन सेटिंग्स पर चले जाएंगे। अब यहाँ से नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना होगा। नेटवर्क रीसेट करने से फ़ोन से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। जिस सिम कार्ड में एक प्रॉब्लम आ रहा है उसे सिलेक्ट करें, इसके बाद रीसेट सेटिंग्स। आप लॉक स्क्रीन का पासवर्ड एंटर कीजिए, इसके बाद रीसेट पे क्लिक करना है। नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट हो चुका है। आप ऊपर से क्विक पैनल ओपन करके यहाँ पावर बटन पे क्लिक करें, इसके बाद आप अपना फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। दोस्तों बस इतना ही करना है, इसके बाद फ़ोन का टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा और आप फिर से अनलिमिटेड 5G डेटा का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों इसके अलावा आपकी डिवाइस पर 5G रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।